नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि अगर हमारा कंप्यूटर जब चलता है तो बहुत स्लो चलता है और हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो बहुत ही स्लो चलता है, तो उसको हम कैसे फास्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टार्ट पर जाना है। स्टार्ट प्रोग्राम तो सभी जानते हैं, जहाँ विंडो का लोगो दिखता है, ये आप देख सकते हैं, ये है स्टार्ट का प्रोग्राम है। आपने क्या करना है, इसमें रन टाइप करना है, विंडो प्लस आर भी दबा सकते हैं, विंडो प्लस आर दबाते ही आपको ये आए, या तो आप रन टाइप करते तो भी आ जाता है, अगर विंडो एक्सपी है तो उसमें तो आ जाता है, अगर विंडो 7 में ये लाना पड़ता है। तो आपने इसमें क्या करना है, इसमें आपने टाइप करना है msconfig, आपने इसमें टाइप करना है msconfig। ध्यान से देखना अपनी कमांड क्या डाली है, msconfig। उसके बाद आपने क्या करना है, ओके करना है। आप देखोगे ये आपके सामने विंडो खुल गई है, तो अब बता रहा है, एक तो इसमें ऑप्शन आ रहा है बूट सर्विस स्टार्टअप। जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो ये प्रोग्राम ऑटोमेटिक रनिंग होते हैं इसमें। अगर आप सर्विस बंद करना चाहते हैं, जो सॉफ्टवेयर चाहते हैं कि ये बंद कर दें, तो भी सिस्टम फास्ट हो जाए, तो आपको इसको डिसेबल कर दो। ये तो साइड में लिखा होता है डिसेबल ऑल, ये डिसेबल है, इसके आप टिक कर सकते हैं। हमने क्या करना है, स्टार्टअप पर जाना है, ये जो प्रोग्राम है 3-4, इसको हमने क्या करना है, डिसेबल कर देना है, ये डिसेबल है, डिसेबल ऑल कर देंगे। सभी ने ध्यान से देखना, हमने स्टार्टअप पर जाना है, उसके बाद हमने डिसेबल ऑल कर देना है, ये प्रोग्राम है डिसेबल ऑल, ये डिसेबल कर दिया। इसके बाद जैसे आप, हो सकता है डिसेबल करने से आपका कोई प्रोग्राम ना चले, तो आप उसको फिर से अनेबल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, फिर ओके करना है, अप्लाई और ओके, फिर हमने सिस्टम को रिस्टार्ट करना है। जैसे हमने रिस्टार्ट कर दिया, सिस्टम हमारा जब आप देखोगे दूसरी बार काफ़ी टाइम एकदम जल्दी खुलेगा और फास्ट हो जाएगा। तो आपने देखा ये हमारा सिस्टम जो है फास्ट हो गया। एक तो ऑप्शन ये है, अगर इससे भी नहीं होता है तो आपने फिर स्टार्ट पर जाना है और रन टाइप करना है, फिर आपने इसमें डालना है टेम्प परसेंटेज, टेम्प परसेंटेज परसेंटेज टेम्प परसेंटेज, आपने क्या करना है, ये डालना है इसमें टेम्प परसेंटेज टेम्प। आप सभी ने कमांड को ध्यान से देखना है, ये आप देख सकते हैं क्या कमांड है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको ओके कर देना है, और ये जितनी फाइलें आ रही हैं आपने इन सभी को सिलेक्ट करना है कंट्रोल प्लस से, और इनको राइट क्लिक करके डिलीट कर देना है। इसके ऊपर टिक करके डिलीट, फिर ये मैसेज आ रहा है क्या करना है, इसने अपने डिलीट करना है सभी को, तो हम कर देते हैं यस।
तो आपने देखा कि कितने एमबी की फाइल है हमारी। ये सारी टेम्परेरी फाइल होती है जो हमारे कंप्यूटर को स्लो करती है, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर में कुछ भी करते हैं तो ये फाइलें ऑटोमेटिक, ये मेरे ख्याल से 500 एमबी के करीब है, इससे ज़्यादा है, तो ये सारी फाइलें हमारे कंप्यूटर को स्लो करती हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, ये स्ट्राइकर है, आप स्किप कर सकते हैं, स्किप, ये ऑटोमेटिक कर देगा। जो फाइल बच गई है इसका अर्थ है कि अब फाइल यूज़ हो रही है, तो इनको आप डिलीट नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आपने फिर जाना है इसी के ऊपर, इसके ऊपर आपने जाना है और यहाँ पर डालना है, पी आर ई एफ ई टी सी एच, प्रीफेच। आपने क्या करना है, रन पर जाना है फिर से और यहाँ पर कमांड टाइप करनी है प्रीफेच, और इसको ओके कर देना है, पी आर ई एफ ई टी सी एच। उसके बाद आपने ये कंटिन्यू कर देना है, ये मैसेज आ रहा है, इसको कंटिन्यू करना है। और उसके बाद ये जितनी फाइलें हैं इनको भी डिलीट करना है। कंट्रोल ए कर सकते हैं और इसके बाद हमने डिलीट, यस, सभी को डिलीट कर दिया। इसके बाद जो है वो है फाइल का कमांड का नाम रीसेंट, फिर हमने विंडो प्लस आर दबाना है, विंडो प्लस आर। अब इसमें हमने डाला है रीसेंट, रीसेंट कमांड दे सकते हैं। ये आपने विंडो प्लस आर दबाना है, की विंडो और आर की होती है कीबोर्ड के ऊपर, उसको स्पेस करना है। ये आपने यहाँ पर सर्च में रन टाइप करना है, ठीक है। इसके बाद आपने ओके कर देना है इसको। उसके बाद हमने ये जितनी फाइल है इनको भी डिलीट करना है, इनको भी सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस ए और डिलीट, ये ऑप्शन आ रहा, राइट क्लिक करना है इसके ऊपर और फिर ये ऑप्शन है डिलीट और फिर आपने क्या करना है, इसको बंद कर देना है। उसके बाद एक और ऑप्शन है जहाँ से हम इसको और फास्ट कर सकते हैं, आपने इंटरनेट एक्सप्लोर खोलना है, गूगल को खोला मैंने, गूगल क्रोम को खोलना है, तो आपने क्या करना है इसमें सर्च करना है हिस्ट्री, हिस्ट्री कहाँ पर होता है इसका, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपने कीबोर्ड में सर्च करना है, दबाना है Alt प्लस F, Alt प्लस F, Alt की और F दबाओगे साथ में, या आप राइट साइड में देखोगे यहाँ पर आता है ऑप्शन हिस्ट्री। ये आप अगर आपको नहीं पता चलता तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि हिस्ट्री कहाँ पर मिलती है, यहाँ पर सेटिंग में होता है इसमें ऑप्शन। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, हिस्ट्री पर जाना है, हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री के ऊपर टिक कर दिया, सभी ने ध्यान से देखना, आप ये देख रहे हैं ये जितनी भी फाइलें हैं ये सारी टेम्परेरी हैं। और इधर एक ऑप्शन और है, तो ये कह रहा है कि क्लियर ब्राउजिंग डाटा, तो हमने इस पर टिक करना है क्लियर ब्राउजिंग डाटा। इससे क्या होगा कि आप 24 घंटे का चाहिए आपको ऑल टाइम, तो मैं क्या करता हूँ इसमें ऑल टाइम पर कर देता हूँ कि सारा हो जाए, जो भी है ऑल टाइम से सारा डिलीट हो जाता है। अगर आप आज के दिन का करना चाहते हैं या किसी को पता ना हो कि क्या किया आपने, तो 24 घंटे का सिलेक्ट कर सकते हैं या तो 7 दिन का कर सकते हैं, तो 4 वीक का। तो मैंने क्या किया इसको ऑल टाइम, ऑल टाइम में क्या होता है कि आपको जितनी भी आईडी उसके पासवर्ड भी डालने पड़ेंगे सब कुछ छोड़ जाएगा, कुकीज आर डाटा साइट एंड कैसे इमेज एंड फाइल, ये कह रहा सारे डिलीट कर देंगे। इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने क्लियर डाटा करना है, मैंने ऑल टाइम कर दिया, तो दोस्तों आपने देखा कि इसका जो सारा डाटा है वो डिलीट हो गया है, वो भी
ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट होगी, आप ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करना है तो उसको यहीं से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ कैसे करना है। अपने गूगल क्रोम पर जाना है या मोजिला आपने डाल रखा है, मान लो कि हमने गूगल क्रोम को ओपन करना है, ये हमारा गूगल क्रोम है, इसको हमने ओपन कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पर टिक करना है, यहाँ पर हाँ राइट, ये आपने देखना है राइट साइड, ये नीचे हिस्ट्री आ रहा है, ये एरो बना रहा है, ये देखो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, ये देखो यहाँ पर टिक करना है आपने, और फिर आपने यहाँ पर टिक करना है हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो आपने देखा ये जो इधर कुछ भी नहीं दिखा रहा है, तो हमने अभी डिलीट कर दिया है। तो दोस्तों आज आप लोगों ने सीखा कि कैसे हम अपने कंप्यूटर का नेट फास्ट करते हैं और कैसे हम कंप्यूटर को फास्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।